उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चुनाव, यूपी में किसकी बनेगी सरकार, कौन से होंगे मुद्दे, किसके सर सजेगा जीत का ताज। खबर बुंदेलखंड के जनपद महोबा से है, जहां हिंदू संगठनों द्वारा एक विशेष समुदाय के खिलाफ सदर कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि उदय चौक के पीछे वाली गली में एक छोटे रूप में मजार बनी थी तथा जिसका पिछले 8 दिनों में बड़ा रूप में निर्माण किया गया है और उसका एक खंभा उदय चौक चौराहे के ऊपर निर्माण किया गया है, जिसकी सूचना व्यापारियों द्वारा पुलिस को दी जाती है, परंतु पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की, जिस पर हिंदू संगठनों द्वारा पुलिस पर भी सवाल उठाए गए हैं। महोबा शहर के प्रमुख चौराहा उदल चौक में जस्ट एक पीछे एक छोटा सा पत्थर का, जिसे मुस्लिम धर्म के लोग अपना मजार कहते थे, वो एक छोटे रूप में बनी हुई थी, लगभग 1.5-2 फुट की। अभी पिछले 7-8 दिन से इसका एक अवैध निर्माण किया गया है और बहुत बड़ा निर्माण किया गया है। लगभग 15x20 पे 6 बड़े खंभे और उसके ऊपर बड़ा भारी टीन सेट, पत्थर और रोड की तरफ 3 फुट निकालकर उसकी सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। आश्चर्य की बात तो ये है कि उदल चौक का जो कोई भी मूर्ति के चारों तरफ गोल चौक होता है, उस चौक के ऊपर से खंभा निकाल दिया गया और चंद दूरी पर सुभाष चौकी थी, पुलिस को जानकारी भी दी जाती रही वहाँ के व्यापारी बंधुओं के द्वारा, लेकिन किसी ने भी मतलब आँखों को बंद कर लिया हो इस तरह का काम किया है, एक भी तरह से रोका नहीं, पूरा निर्माण हो गया है और पुरातत्व विभाग का या नगरपालिका क्षेत्र का जो चौराहा है उदल चौक, उस पर एक खंभा खड़ा किया गया है। अभी हम सब विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल और विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ता यहाँ पर कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिए हैं और इसमें घोर लापरवाही पुलिस की है, क्योंकि मौके पर कई बार पुलिस को सूचना दी गई, उसके बावजूद भी पुलिस ने आचार संहिता का लाभ उठाकर इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, इसलिए यह अवैध निर्माण किया गया है। आज चूंकि कल शाम को अपने महोबा नगर के उदल चौक में कल शाम को सूचना मिली कि वहाँ पर जो पार्क है उदल चौक में, उसके पीछे एक अवैध रूप से मजार का निर्माण किया जा रहा है। और जब आज सुबह प्रातः हम लोग लगभग 11 बजे सभी संगठनों के हिंदू समाज के प्रमुख लोग वहाँ मौके वारदात पे गए और जैसी की सूचना मिली थी अवैध निर्माण की, वह सत्य पाया गया, वहाँ पर अवैध निर्माण हुआ था। लगभग 10 दिन से अनवरत काम चल रहा था, उसी की सूचना देने के लिए कोतवाली में अभी विभिन्न संगठनों के द्वारा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल और विश्व हिंदू महासंघ, सभी संगठनों के प्रमुख कार्यकर्ता हैं, उन सभी की ओर से आज कोतवाली में कोतवाल साहब के सामने यह एप्लीकेशन दी गई है और आगे भी अभी SDM साहब को ज्ञापन दिया जाए। वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।